स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरी द करेंट आई टू, क्वेश्चन 24, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एन इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट आई वन. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप. तो क्वेश्चन 24 देखते हैं. एक वायर है और उससे एक्स की दूरी पर ए लेंथ साइड का स्क्वायर रखा हुआ, इसमें करंट जा रहा है आई टू. तो करंट ऐसे, अगर ऐसे देख दिया रखा है तो नीचे जाएगा इस तरीके से. ध्यान रखें जब भी इस तरीके से लूप होता है, क्योंकि आई एम नॉट टीचिंग, आई एम ओनली सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो इन वायर्स पे फोर्स बैलेंस हो जाता है. नेट फोर्स इन वायर्स पे जो कि इस वायर के परपेंडिकुलर होते हैं, ये और ये वाले, इनमें कैंसिल हो जाता है. चाहे तो आप ये बात लिख भी सकते हैं कि फोर्स ए बी वेक्टर में प्लस फोर्स सी डी इज जीरो. तो जरूरत नहीं निकालने की, अल्टीमेटली सिर्फ यहां और यहां निकलेगा. तो लेट्स फाइंड आउट फोर्स ए डी. इट विल बी 2K आई वन आई टू, क्योंकि यहाँ पे आई वन है. फॉर्मूला दो पैरेलल वायर्स के बीच में, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, उसके फॉर्मूला ये होता है. तो एक्स ले लें, ए डी पे डिस्टेंस एक्स है और लेंथ हमेशा छोटी वाली लें, तो इनटू ए. और ये क्योंकि क्या है, अपोजिट है तो रिपेल करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो रिपेल करेंगे, यानी कि टूवर्ड्स राइट. इस पे फोर्स जो लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, एफ ए डी. और ये भी इसको करेगा, लेकिन अगर मैं फिक्स्ड मान लूँ तो फिर ये इधर जाएगा टूवर्ड्स राइट. अब बी सी, इसमें भी फॉर्मूला सेम रहेगा, आई वन आई टू, हालांकि इसमें डिस्टेंस जाएगी एक्स प्लस ए इंटू ए, और ये अट्रैक्ट होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है, सेम डायरेक्शन में, यानी कि टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट. तो अल्टीमेटली नेट फोर्स होगा वो होगा एफ ए बी माइनस एफ बी सी. ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये ज़्यादा है, इसका डिनोमिनेटर देखो कम है ना, तो नंबर ज़्यादा आएगा. तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर जो होगा वो होगा टूवर्ड्स राइट. चलिए लिख लेते हैं, कॉमन जो लेना है ले लीजिए, 2KI1I2 इंटू ए डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स प्लस ए. बस 2KI1I2 एक्स प्लस ए माइनस एक्स इज ए अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस ए. यहाँ एक ए था सॉरी. तो 2KI1I2 ए स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस ए, दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन. अब इसका और पार्ट भी देख लेते हैं. व्हील विथ 8 मेटालिक स्पोक्स ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विथ अ स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट इन अ प्लेन नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 0.4 g. एन एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री. कैलकुलेट द EMF इंड्यूस बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील. हाउ विल द EMF बी अफेक्टेड इफ द नंबर ऑफ स्पोक्स फॉर इंक्रीज्ड. तो व्हील एंड ऐसी, और इसकी जो है रोटेटेड इन अ प्लेन नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे मान लेते हैं इधर के डायरेक्शन में, और व्हील को हम ऐसे मान लेते हैं, व्हील ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है. उसमें खूब सारे स्पोक्स हैं, 50 दे रखे हैं ना ऐसे, ओके, इट इज रोटेटिंग. नाउ एक बार ध्यान रखें कि क्योंकि अगर इंड्यूस भी होता है, जैसे मान लीजिए एक व्हील ले लेते हैं, तो यहां से इंड्यूस होके पेरिफेरी तक जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं और ये जो पॉइंट्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा इनमें. क्योंकि आफ्टर ऑल अगर हम एक रॉड की बात करें, तो EMF का फॉर्मूला होता है जब रोटेट करती है रॉड, तो वो होता है BL² ओमेगा/2. ये होता है फॉर्मूला. अब देखिए सारे स्पोक्स लेंथ सेम है,
जब करंट पैदा होगा तो सब में बिल्कुल ऐसे ऐसे बराबरी से एकदम चला जाएगा, फैल जाएगा। तो ये पैरेलल कनेक्शन हुआ सारे स्पोक्स। सो ऑल स्पोक्स बिहेव एज अ बैटरी, एज बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल, एज बैटरी कनेक्टेड इन इन पैरेलल। तो इसलिए नंबर ऑफ स्पोक्स होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैरेलल में ओवरऑल वोल्टेज भी सेम ही आना है। हेंस नंबर ऑफ स्पोक्स डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इसलिए जो सेकंड पार्ट पूछा गया था उसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है कि अफेक्ट होगा अगर नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ाएंगे तो, नो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पोक्स, नो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पोक्स। तो आप बस ये फॉर्म सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखें कि हमेशा जब भी कोई चीज़ रोटेट कर रही तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा वो ली जाएगी जो इस कॉइल के परपेंडिकुलर हो, वो बी एच होती है, दे रखी है, क्लियरली मेंशन है कि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन जो है परपेंडिकुलर नॉर्मल टू दिस है, वो ही हमें लेना भी होता है। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने दिया नहीं है हमको ये, उन्होंने हमें इनफैक्ट टोटल फील्ड दे दी है, ना कि बी एच, तो हम निकाल लेंगे। ध्यान रखें ये बी एच है। सो बी एच वी कैन राइट इट एज बी कॉस एंगल ऑफ डिप इंटू एल स्क्वेयर ओमेगा बाय 2। ठीक है, सो वी हैव बी एल स्क्वेयर ओमेगा बाय 2 कॉस डेल्टा। तो आगे से अगर एंगल ऑफ डिप दिया हो तो आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कितनी है 0.4, गॉस का मतलब 10⁻⁴ टेस्ला होता है, लेंथ 0.5 मीटर है, 50 सेंटीमीटर दे रखा था, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ओमेगा 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, तो 120 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, मिनट का मतलब 60 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये 2 टाइम्स गया, ये भी गया, सो वी हैव 0.4 × 10⁻⁴ − 4 × 25 × 10⁻², × 2 पाई, सो वी हैव 25 × 4 = 100, ये तो 10 हो जाएगा, 10 × 20 पाई, 10⁻⁶ वोल्ट, ये लिख सकते हैं 2 पाई × 10⁻⁵ वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पूछा गया था, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें सॉरी स्टूडेंट्स, मैं कॉस डेल्टा लगाना भूल गया, कॉस 60 दैट इज 1/2 एंड माई आंसर विल एक्चुअली बी पाई इंटू 10⁻⁵ − 5 वोल्ट, दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन।